डीसी सोलन केसी चमन ने जन कल्याण सेवा समिति चौक बाजार सोलन द्वारा कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत चिकित्सकों नर्सों व पैरामेडिकल कर्मियों के उपयोग के लिए 100 व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण भेंट किए। समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि लोगों को कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे उपकरणों का पूर्ण से प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू ढील के समय आवश्यक सामान इत्यादि क्रय करते समय लोग आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जहां लोग एवं संस्थाएं कोविड-19 निधि में अंशदान दे रही हैं, वहीं लोग भी आगे आकर अपना अंशदान दें। जैसे सर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आज किट्स दी गई हैं, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे ये सामाजिक संस्थाएं योगदान दे रही हैं? देखो, ऐसी संस्थाएं हैं, किट का बहुत महत्व है। इन्होंने जन कल्याण समिति ने हमें 100 किट दिए, इसकी हमें तुरंत आवश्यकता हमें निश्चित क्षेत्र में है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आशा वर्कर है, ये हैं, उनके लिए हम ये देंगे, ताकि जो हाउस टू हाउस एक्टिव केस फाइंडिंग का जो चला हुआ है कि कोई आदमी किसी को कोई ऐसा कोई इंडिकेशंस है, कोई बीमार है, किसी को खांसी या जुकाम है, सारे केस हम फाइंड करके उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये किट है, 100 किट है, बहुत बड़ा इनका योगदान जन कल्याण समिति का, इनका मैं आभार करता हूँ। तो ये इस बहुत पुनीत कार्य के लिए आगे आए, जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं उनको ये सुरक्षा कवच है।